खबर दौसा से है, जहां कोरोना वायरस को लेकर महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने चिकित्सा विभाग की बैठक ली, जिसमें प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की जानकारी ली गई। वहीं मंत्री ममता भूपेश ने एक पोस्टर का भी इस दौरान विमोचन किया, जिसमें कोरोना वायरस से बचने के उपाय और लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, सीएमएचओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और उम्मीद करूंगी कि दौसा जिले में सभी लोग इस बात के प्रति, इस बीमारी के प्रति जागरूक रहे, सजग रहे, और सब लोग जो इसमें WHO ने अपनी बातें बताई हुई हैं, जो नॉर्म्स बताए हुए हैं, दूरी रखना, हाथ धोना, खांसी जुकाम हो तो तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाना, इन सब चीज़ों के दिशा निर्देश अभी जिला प्रशासन को मैंने दिए हैं। और उम्मीद करूँगी कि हमारे ज़िले के अंदर इस तरह की, जिले में क्या, प्रदेश में, देश में किसी भी तरह से इस तरह की बीमारी ना हो, आगे ना बढ़े, हम लोग संक्रमित ना हो, इन सब चीज़ों के लिए कैसे सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम लोग एक दूसरे से बच सकते हैं, इस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिला प्रशासन ने तैयारियां बहुत अच्छी लेवल पे करी हुई हैं, सभी CSC लेवल पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आइसोलेशन वार्ड।